आगे एक बाइक चला रहा है ना, उसने मुंह पर काले रंग का कपड़ा ना बैठा हुआ है और पीछे वाला उसके पीछे इस तरह बैठा हुआ है। और वो भाई मैं फुल इस टाइम डरा हुआ हूँ भी और नहीं भी डरा हुआ, लेकिन बेगम मेरी फुल ऑन डरी हुई है। अभी ये शहर का इलाका है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ 80 की स्पीड पर और वो स्टिल मेरे पीछे पीछे स्पीड से भगाते हुए आ रहे हैं पीछे। अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हजरात, क्या हाल चाल है आपका, एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम करते हैं। अभी सुबह सुबह उठते ही सर पे ऑयलिंग करवा रहा हूँ ताकि बाद में शावर वगैरह ले लूँ और थोड़ी सी इन बालों में भी जान आ जाए, क्योंकि अभी तो मेरे बाल पिछले कोई 10 दिनों से मुर्दा बने हुए हैं। और जी, और आज घर पर आई हुई है मेरी फुफो। फुफो सलाम कर दें लोगों को। वालेकुम सलाम नहीं, फुफो सलाम करना है, अस्सलाम वालेकुम करना है। आप कह रहे हैं वालेकुम सलाम। आज फुफो आई है, तो जब भी फुफो घर पे आती है ना तो बहुत शोर शराबा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं फुफो? अस्सलाम वालेकुम। चलो ठीक है जी। आज ना वैसे मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा चल रहा है, लेकिन ठंडे ठंडे मौसम में मैं नहा धोकर रेडी हो गया हूँ, लेकिन ना बाल मेरे अभी तक सूख नहीं रहे। बालों की वजह से ना मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है, क्योंकि ये जो कर्ली हेयर है ना ये सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। खैर, फुफो वगैरह भी चले गए हैं, मेहमान जो आए हुए थे वो भी चले गए हैं, और अभी एजल खेल रही है अपनी दादों के साथ। और ये पीछे बिखरे बालों वाली खातून कौन है? पीछे करना जरा, एजल को पीछे करना, वो वैसे ही छुप रही है सामने। एजल की तबीयत खराब है, इसका एक तो चेकअप करवाना है डॉक्टर के पास, इसीलिए हम लोग अब निकलने लगे हैं लाहौर की तरफ। बाय बाय मामा, अल्लाह बाय बाय कर दो, बाय बाय। अभी हम लोग निकल आए हैं घर से और 3 घंटे का टोटल हमारा सफर है, लेकिन ये 3 घंटे का सफर 3.5 घंटे का भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने 2 जगहों पे रुकना है। एक तो हम लोगों ने रास्ते में अबू को मिलना है, टाटा बाय बाय करना है, और दूसरा मैंने अपना मोस्ट फेवरेट शेक पीना है। कुछ जो कि कवल तो बिल्कुल नहीं पिएगी, मैं लेकिन पीऊंगा। उसके पास आ गए हम लोग का ध्यान जी। नहीं कोई नहीं, खैर है, इधर से निकल जाए, इधर से ही, हाँ इधर से वो यू टर्न लेकर जाओ। हाँ जी, नहीं नहीं अभी सीधा जाएंगे, नहीं नहीं चलो ठीक है, बाय बाय। पक्की बात है? ठीक है, बॉस एक ले आओ शेक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसको मैं रखूंगा इधर। कितना पैसा हो गया बबुआ? 420 420 430 मैं समझा ये कौन सा फिगर इन लोगों ने रख लिया, 420 420। अच्छा यार, अभी ना तकरीबन मैं 1.5 घंटे का सफर तय कर चुका हूँ और बाकी मेरा रास्ता 1.5 घंटे के ही रह गया लाहौर पहुँचने में, लेकिन पिछले 1 घंटे से ना एक बाइक मेरे लगातार पीछे आती जा रही है। पहले मुझे लगा कि शायद इसका भी वही रास्ता है, ये भी वहाँ ही जा रहा है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, इसका भी सेम वे होगा, लेकिन ना मैंने एक जगह पर अपनी गाड़ी रोकी साइड पर के देखता हूँ ये आगे गुजरता है या क्या सीन है इसका, लेकिन वो बंदा नहीं गुजरा, वो पीछे ही रुक गया, उसने भी बाइक पीछे लगा ली। फिर मुझे लगा शायद ये कोई फैन है या मेरे को जानने वाला है, लेकिन ना वो भी सीन नहीं है, बिकॉज जब भी मेरे को जानने वाला या फैन इस तरह से पीछे आ रहा होता है, या तो वो मिलना चाह रहा होता है या फिर हाय हेलो करना चाह रहा होता है, हाँ या हेलो कर लेता है इस तरह से, स्माइल पास कर लेता है, लेकिन ना ये बहुत ही मशकूक मुझे लग रहे हैं। एक जो आगे बाइक चला रहा है ना, उसने मुंह पर काले रंग का कपड़ा ना बैठा हुआ है और पीछे वाला उसके पीछे इस तरह बैठा हुआ है, और वो स्टिल मेरे पीछे है, वो अभी रिक्शा एक आ रहा है मेरे पीछे, उसके पीछे पीछे वो आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। अभी एक शहर वाला इलाका है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, इसलिए वो ना पीछे वाले रिक्शे के पीछे पीछे आ रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन है, ये मुझे मशकूक वैसे लग रहे हैं, मुझे शक्ल से तो चोर लग रहे हैं, जैसे पीछे वाला छुपकर ऐसे बैठा हुआ है, और 125 इनके पास बाइक है, और जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में इस वक्त हालात चल रहे हैं ना, चोरियां हो रही हैं, गुर्बत ज्यादा फैल रही है, फिर क्राइम का रेशो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है गुर्बत की वजह से, भाई मैं फुल इस टाइम डरा हुआ हूँ भी और नहीं भी डरा हुआ, लेकिन बेगम मेरी फुल ऑन डरी हुई है। अभी ये मुझे कह रही है गाड़ी तेज चलाओ, गाड़ी तेज चलाओ, जल्दी से चलाओ, मैं आपको दिखाता हूँ कौन से बंदे हैं। अभी देखो बाइक शायद गुजर रही है, मैं रुका हूँ ना यहाँ पर ट्रैफिक में, तो जितने भी पीछे बाइक वाले वो गुजरते जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं गुजर रहा, वो उसी रिक्शा के पीछे पीछे और मेरी गाड़ी के पीछे पीछे आता जा रहा है। अभी ये शहर का इलाका है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ 80 की स्पीड पर और वो स्टिल मेरे पीछे पीछे स्पीड से भगाते हुए आ रहे हैं पीछे। अभी मैं दिखाता हूँ, जब थोड़ा सा करीब आते हैं ना, मैं आपको साइड मिरर से दिखाता हूँ कि कौन है वो। ये है वो बाइक वाले, ये जो पीछे पीछे आ रहे हैं, और अभी मैं इतनी स्पीड पर जा रहा हूँ
40 की स्पीड पर, वो मेरे पीछे पीछे ही है, पीछे पीछे 40 की स्पीड पर। अभी वो स्टिल हमारे पीछे है, लेकिन मैं यहाँ से मोटरवे चढ़ने लगा हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि बाइक मोटरवे पर चढ़ नहीं सकती और हम लोग सेफली फिर अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। इधर से इधर से इधर से मैं बस थोड़ा सा ना घूम गया इस टाइम। चले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफली मोटरवे पर चढ़ गए हैं, और दुआ करता हूँ कि आप लोगों को भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, कि इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर 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 और बहुत बेहतर कर। आमीन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी जी हम लोग पहुंच गए लाहौर, और सबसे पहले आ चुके हैं ईदल को चेक करवाने के लिए, बिकॉज इसका पिछले 3 दिनों से ना गला खराब है और खांसी है, जुकाम है, थोड़ा थोड़ा सा बुखार भी हो जाता है। तो हमने फिर 2-3 दिन इंतजार करने के बाद, या सेल्फ हील होने का इंतजार करने के बाद, फाइनली आज हम लोग डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए आ गए। चले जी चेकअप हो गया है हमारा। ओहो हो हो जनाब, बहुत ही बैड सीन हो गया मेरे साथ। अभी एजल को मेडिसिन वगैरह दिलवाने के बाद मैं घर चले गया था, घर से खाना शाना खाया, खाना शाना खाने के बाद मेरा प्लान था कि मैं अपने बालों को आज सीधा करवा लूंगा, लेकिन अभी आया हूँ तो सैलून क्लोज हो चुका है। और मुझे था कि सैलून की टाइमिंग होती है 12 बजे तक, लेकिन अभी बजे हैं 10। उन्होंने कहा कि ये 2-3 दिनों से हम लोगों ने अपनी टाइमिंग चेंज कर दी है, मतलब 10 बजे क्लोज कर देते हैं। तो मैंने कहा अब कुछ हो सकता है, कहते नहीं अब तो यही है, सुबह का प्लान कर ले। फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, अभी फिर सुबह ही आऊंगा, बाल साल सीधे करवाऊंगा, चलो वापस घर चलते हैं। फिर सैलून से फ्री होकर मैंने अभी पिक किया है आपा को और जाने लगा हूँ वापस घर। और अभी जी फाइनली मैं घर आ गया, और घर आते ही आराम क्या करना है, सुकून क्या करना है, किसी ने टांगे क्या दबानी है, बल्कि काम लगा दिए मुझे। यहाँ मैंने लाइट लगाई है, दूसरी लाइट मैंने लगाई है फ्रिज के ऊपर, तीसरा मैंने लगाया है ट्राइपॉड, ये चौथे नंबर पर ये बंदी जो मुक्के मार रही है इस टाइम मुझसे बनवा रही है वीडियो। तो अभी मैं आते ही इसकी वीडियो बनाने लगा हूँ। पहले चलो आ जाओ बना रहा हूँ। वहाँ से आना है तुमने, यहाँ से ही ना? ये क्या कर रही हो, लाइट कम कर रही हो या क्या? एग्जॉस्ट, हाँ एग्जॉस्ट का शोर था, ये दिमाग चल रहा है यार तुम्हारा। चलो ठीक है, बॉल भी फेंक, बॉल कहाँ है वो पड़ा हुआ है। यार बॉल भी मैंने फेंकने तुम्हारी तरफ। चलो हो, वीडियो तो उससे बनानी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? व्लॉग ही बंद करता हूँ यार, वीडियो बना दूंगा इसकी पहले। ये फोन इसका उठाता हूँ। यकीन करे शादी के बाद मैंने ऐसे ऐसे काम भी किए हैं जो मैंने जिंदगी में, मतलब 25 साल की उम्र में मेरा निकाह हुआ था, और 25 साल पिछले जो मैंने गुजारे हैं ना, आज तक वो काम नहीं किए थे। शादी के बाद आपको करने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है आपकी बीवी ने आपको काम कहा है, और आपने कह दिया ना नहीं मैंने नहीं करना, तो फिर उसका मुंह बन जाएगा, बिला वजह आपका सारा दिन बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप वो 1-2 मिनट का काम कर दो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वीडियो शीडियो भी बना दी आपके भाई ने, आपकी भाभी की, बहुत ही अच्छी और हैवी किस्म की, ठीक। और अभी इन बालों के लिए आज की रात आखिरी है, और ये जो जो लोग गलत गलत कमेंट करते थे ना मेरे बालों के बारे में, तो मैं बताता चलूं कि भाई ये आखिरी दिन है। मैं कुछ कह तो नहीं सकता, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे अपने ऊपर ये स्मैक्सी लग रहे थे बाल, बहुत से लोगों को मेरे ऊपर पसंद नहीं आ रहे थे बाल, तो बहुत से लोग इस तरह के भी थे जिनको पसंद आ रहे थे। तो भाई हाँ, मतलब मेरी बीवी को भी जैसे पसंद आ रहे थे मेरे बाल, चल झूठा, कभी कभार वो कह देती थी कि बे लग रहे हैं, कभी कभार वो कह देती थी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कभी कभार नहीं, ज्यादातर कहती थी कि अच्छे लग रहे हो दुल्कन, बाल भी अच्छे लग रहे हैं। बल्कि बहुत से मेरे करीबी दोस्तों ने मुझसे पूछा कि यार ये बाल तुमने कहाँ से करवाए हैं, हमने भी करवाने हैं, क्योंकि मेरे पर सूट कर रहे थे। लेकिन वहां पर ही 80% लोगों ने बहुत ही गलत गलत गंदे गंदे कमेंट किए हैं मेरे इन बालों पर। क्या कह सकता हूँ, कोई मसला नहीं यार, शुगर मेला लगा ही रखो, मैंने भी शुगर मेला ही लगाया हुआ, शुगर मेला काम का काम हो गया, लगा ही रखो शुगर मेला। यकीन करो मैं बुरा नहीं मानता इन चीजों का, कोई गलत कमेंट भी करते हैं ना फनी, तो मैं खुद भी इस तरह के कमेंट पर, फनी कमेंट पर हंसता हूँ। हाँ जो लोग अब्यूसिव थोड़े होते हैं उनसे थोड़ा हर्ट भी होता है, लेकिन ज्यादा कुछ हर्ट नहीं होता यार, इट्स ओके, उनकी अपनी सोच है या फिर उनकी अपनी तरह की कुछ परवरिश है यार। हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव चीजें देखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव लोगों से ताल्लुक रखते हैं, जैसे कि आप हैं, आप ही पॉजिटिव लोग हैं यार। बस पिछले दिनों ना पॉजिटिविटी को बदनाम कर दिया था कोरोना ने आकर,
कर, लेकिन अभी खैर पॉजिटिविटी का दोबारा से नाम खड़ा हो गया, जैसे कि आपका भाई पॉजिटिव पर्सन है, आप हैं पॉजिटिव पर्सन। तो भाई इस पॉजिटिविटी को बढ़ाओ और हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी करो। जो नॉन सब्सक्राइबर है उनकी तादाद 60% है और सिर्फ 40% सब्सक्राइबर देखते हैं। यार क्या सीन है, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो मैं चाहता हूँ ज्यादा नहीं लेकिन 80% सब्सक्राइबर ही देखें हमारे व्लॉग्स, तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। इसीलिए आप अभी पहले 1 सेकंड निकाले और चैनल को करें सब्सक्राइब, उसके बाद बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाला व्लॉग आपको घंटी बजाकर नोटिफिकेशन देता रहे। चौधरी साहब अल्लाह मुझे नींद नहीं आएगी, अपनी इस अच्छी अच्छी लुक से और जलाऊंगा। आ रही थी ना तो जलाना बनता है बबुआ। चलो तो अभी आपसे मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें दे इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह। एजल के सामने ऐसे ना आना, डर जाएगी वो आपसे। एजल